नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 के सामाजिक ज्ञान विषय के अंदर जो चार पुस्तकें हैं, उस चार पुस्तकों में से एक पुस्तक समकालीन भारत एक जो कि भूगोल की है, उसके अध्याय 9 के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप की अगर बात करें तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, भारत की भौगोलिक संरचना को भी अगर देखा जाए तो यह बहुत ही विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों वाला एक बहुत विशाल देश है। यहाँ पर भू आकृतिक स्थितियों की अगर बात करें तो पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि देखने को मिलते हैं। भारत के मानचित्र को भी अगर हम ध्यान से देखेंगे इस पुस्तक में जो आपके दिया हुआ है, तो आप इसके मानचित्र के ठीक उत्तर में देखेंगे तो तलवारनुमा आकृति में एक पर्वत श्रृंखला आपको विस्तृत रूप से सुदूर उत्तर पश्चिम से लगाकर पूर्व तक जो फैली हुई है, यही पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। भारत के मुख्य रूप से भौगोलिक स्वरूप को अगर देखा जाए तो भूगोलवेताओं ने, भूवैज्ञानिकों ने इसे मुख्य रूप से 6 भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और द्वीप समूह। आज हम इस कक्षा के अंदर केवल एक भाग की चर्चा करेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊपर अगर दृष्टिपात करते हैं तो ध्यान में आता है कि यह नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। इसलिए हम देखते हैं कि समय समय पर यहाँ भूकंप, अनेक प्राकृतिक प्रकोप, भूस्खलन आदि क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखलाएं भी यहीं पाई जाती है। हिमालय को मूल रूप से अगर देखें तो यह पश्चिम से लगाकर और पूर्व की दिशा में सिंधु से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी अगर कुल लंबाई अगर देखी जाए तो 2400 किलोमीटर है। ध्यान रखना, याद रखना आप सभी, कुल लंबाई हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2400 किलोमीटर और तक फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई अगर देखें तो कश्मीर के अंदर इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तक मिलती है और पूर्व में जाते जाते अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और 150 किलोमीटर तक है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई में अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। ध्यान में रखना, हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है महा या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का पहला भाग है महान या आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला जो है वह सतत है। 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से हिमालय के सभी मुख्य शिखर यहीं पर स्थित है, जो ऊंचे ऊंचे शिखर है। अगर ऊंचे शिखरों की अगर बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट इस महान हिमालय की श्रृंखला में स्थित है, जिस जो कि नेपाल देश में है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजुंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी 8598 मीटर। मकालू नेपाल की द्वितीय सबसे ऊंची चोटी 8481 मीटर ऊंचाई। धूलागिरी नेपाल की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंगा पर्वत भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1126 मीटर इसकी ऊंचाई। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, गरुला मंदाता आदि पर्वत चोटियां इस हिमालय श्रृंखला में हमें देखने को मिलती है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ, ध्यान रखना, हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है, आंतरिक भाग है, वो ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित है। श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। बर्फ़ से ढकी होने के कारण ठंडी हिमानी हवाएं यहाँ से आती हुई दिखाई देती है। शीतलहर
यहाँ से उड़ती हुई दिखाई देती है। आपको ज्ञात करना है कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानी और दर्रों के नाम आप सर्च करेंगे गूगल से, भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है, वो राज्यों के नाम आपको ढूंढने हैं कि ये नंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। आगे हमने देखा था कंचनजुंगा, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ये नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, ये भारत के किन किन राज्यों में स्थित है, इसको भी आपको सर्च करना है। हिमाद्री की अगर दूसरी पर्वत श्रृंखला की बात करें, जो कि निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, इस श्रृंखला का निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तन शैलों से हुआ है। ध्यान रखना, परिवर्तित शैलों से इसका निर्माण हुआ। इसकी जो ऊंचाई है वह है लगभग औसत ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच देखने को मिलती है। चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल जो इस निम्न हिमालय में है, वो सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार महाभारत श्रृंखला भी यहाँ महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ भी स्थित है। ध्यान रखना, निम्न हिमालय में कुल्लू की घाटियाँ और कांगड़ा स्थित है हिमाचल के। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न हिमालय को पहाड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। सुरम्य घूमने के स्थान यहाँ पर ही स्थित है। मसूरी, नैनीताल, आपने नाम सुने होंगे, रानीखेत, शिमला, मनाली आदि स्थल, पर्वतीय स्थल यहाँ पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के तीसरे भाग की, तो उसे कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियों की अगर चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर तक है और औसत ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर के बीच देखने को मिलती है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटियों को, ध्यान रखना, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित जो लंबवत घाटियाँ है उनको दून कहा जाता है। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लेना ठीक से। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है दून किसे कहते हैं, तो कुछ प्रसिद्ध दून भी है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून इत्यादि। अब हम हिमालय के और के विषय में और बात करें तो ध्यान में आता है कि हिमालय को इन तीन भागों में मुख्य रूप से तो बांटा गया, लेकिन और भी इसके विभाजन भूगोलवेताओं ने किए हैं। तो पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इसके वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। इसका वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया गया। सतलज और सिंधु नदी के बीच में स्थित जो हिमालय का भाग है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच के भाग को, हिमालय के भाग को कुमाऊँ हिमालय, और काली तथा तिस्ता नदियों के बीच के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच के भाग को असम हिमालय के नाम से सीमांकित किया गया है, यह असम हिमालय। और हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी अगर पता करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाती है। ये देखिए, आप चित्र में देखेंगे तो ये मिजो की पहाड़ियाँ, जो मिजोरम के अंदर, इसे मिजो की पहाड़ियों के नाम से ही जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है।
दिहांग महाकण गाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, भारत के पूर्वी भाग के अंदर जो स्थित हिमालय की पर्वत श्रृंखला ये है, यह पूर्वांचल के नाम से जानी जाती है। यह पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों अवसादी शैलों से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है, अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएँ एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। तो यह आज हमने इस अध्याय के अंदर हिमालय के पहले भाग को पढ़ा और समझा कि भारत के भू आकृतिक प्रदेशों का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण भाग था हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसको हमने समझा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इसके पढ़ाए गए पाठ को, इस भाग को आपने ठीक से स्मरण करा होगा, समझा होगा। अब मैं आपसे अपेक्षा भी करूँगा कि आप इसमें से 10 लाइनें शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाएं, ताकि आप जब पढ़ें तो पढ़ते ही इसका सारांश रूप आपके सामने आ जाए। ऐसी मैं अपेक्षा करूंगा कि आप ये काम पूर्ण करेंगे। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आगे इस विषय को बढ़ाएंगे। हम आगे जो शेष भारत के भौतिक प्रदेश बच गए हैं, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे, उनकी विशेषताओं को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।